Good morning, everyone. Today we will discuss about our new topic, the arrangement of sentences. Students, every time we have some jumble words and reorder and misorder of the words in the exams, so we feel very upset if we can't solve this problem, if we can't solve this question and make it in a meaningful sentence. Every time we have a problem of like this. But today I will give you a wonderful trick about this. We know that every sentence has three parts. First part is called subject, second is verb, and third is object. In the subject, we have always some noun and pronoun. सब्जेक्ट में हमारे पास हमेशा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है. एंड वर्ब में टू टाइप्स की वर्ब होती हैं, एक तो मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स. मेन वर्ब लाइक दैट, जैसे गो, प्ले, वॉश, ये सारी मेन वर्ब्स होती हैं. और हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर. ऑब्जेक्ट में अदर वर्ड्स, जो भी आपके पास जंबल वर्ड्स में बाकी वर्ड्स बच जाते हैं, उसका आपने ऑब्जेक्ट में राइट डाउन करना है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेंटेंस है, एम सो आई हैंडसम. दीज आर कॉल्ड जंबल वर्ड्स बिकॉज इनकी अब हमें इनको इस अरेंजमेंट्स में सेट करना है ताकि इसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. सबसे मेरा पहला स्टेप ये होगा, स्टेप वन में, कि मुझे फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट. स्टेप टू में मुझे फाइंड आउट करनी है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब. एंड स्टेप थ्री में मुझे अदर वर्ड्स को राइट डाउन करना है. For example, in this sentence, I am so I handsome. May I? It is pronoun. Then I will write. Write करते हैं I. I को मैंने subject write कर दिया. After then आती है helping verb या verb की turn. तो यहाँ पे मेरे को ना ही कोई verb दिख रही है, but helping verb है. तो I will write here am. बाकी जो भी बचता है so handsome, तो मैं यहाँ पे write down कर देता हूँ. द नेक्स्ट सेंटेंस में अब हमारे पास जंबल वर्ड्स ये हैं, हैज़ इम्पॉर्टेंट एंड म्यूजिक आर इन लाइफ पार्ट. तो सबसे पहले मैं देखूंगा हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, इम्पॉर्टेंट कोई ना ही नाउन है ना प्रोनाउन है, एंड आर्टिकल है म्यूजिक. म्यूजिक नाउन है, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे म्यूजिक को राइट डाउन करता हूँ. म्यूजिक आफ्टर देन राइट डाउन करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद आर्टिकल राइट करते हैं एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ लाइफ. तो दिस इज अ ट्रिक इन विच यू कैन सॉल्व एवरी जंबल वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस. यू कैन चेंज एवरी मिसऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस. I hope you will like this trick. I will give you some examples for self-solution. Please solve it and send me till 2 o'clock. Thank you.